दोस्तों ये है मेरा YT स्टूडियो और इसमें आप देख सकते हैं 140,000 व्यूज आ चुका है। और आप लोग दोस्तों बोलते हैं कि व्यूज नहीं आता है, और मैं अभी आपको दिखा देता हूँ रियल टाइम जो मेरा व्यूज आ रहा है। आप देख सकते हैं 302 व्यूज है। और दोस्तों आप सभी कमेंट करते हैं कि व्यूज नहीं आता, तो दोस्तों आपको क्या करना है वो इस वीडियो में बताऊंगा। आपको YT स्टूडियो का एक सेटिंग को ओपन करना है। अगर इस वीडियो को अगर आप अंत तक देखते हैं तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। सिर्फ एक सेटिंग आपको ऑन करना है, आपके वीडियो में दोस्तों व्यूज अपने आप आएगा। आप लोग YT स्टूडियो चलाना नहीं आता दोस्तों, इसलिए दोस्तों आप लोग के वीडियो में व्यूज नहीं आता। आप देख सकते हैं वॉच टाइम अभी मेरा दिख रहा है यहाँ पर, आप देख सकते हैं 3600 देख सकते हैं दोस्तों, मैं आपको लाइव प्रूफ दिखा रहा हूँ। तो दोस्तों आपको कौन से वो सेटिंग आपको क्या करना है सो चलिए दिखाते हैं आपको। सबसे पहले मैं दोस्तों कंटेंट में ले आता हूँ, और आप देख सकते हैं दोस्तों मेरा जो वीडियो है वो देखिए सिर्फ दोस्तों लॉन्ग वीडियो से ही व्यूज आता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर दोस्तों जो वीडियो है मेरा दोस्तों ओनली लॉन्ग वीडियो है। आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ, और दोस्तों नीचे मैं आपको दिखा देता हूँ, देखिए यहाँ सर्च से चल रहा है। आप लोग दोस्तों कंटेंट पे काम नहीं करते इसलिए दोस्तों आप लोग का वीडियो दोस्तों वायरल नहीं होता। आपको क्या करना है कि दोस्तों आपको अपने वीडियो सर्चेबल बनाना, लेकिन सर्चेबल बनाने से पहले दोस्तों आपको YT स्टूडियो का ये सेटिंग देख लेना है, ठीक है, और इसे ऑन कर लेना है। चलिए कौन सी वो सेटिंग आपको दिखाते हैं। देखिए दोस्तों जो मेरा पूरा जो वीडियो दोस्तों सबसे ज़्यादा जो वायरल हुआ है उसी वीडियो को मैं ले लेता हूँ, और उसका दोस्तों मैं इंप्रेशन दिखाता हूँ। देखिए उस वीडियो पर मेरा इंप्रेशन कितना आया सो मैं आपको दिखा देता हूँ। दोस्तों आप देख सकते हैं ये रहा मेरा वीडियो वो, और आप देख सकते हैं दोस्तों मैं आता हूँ यहाँ इंप्रेशन में, और यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों इंप्रेशन देख सकते हैं दोस्तों कितना है, देख सकते हैं 16,00,000 दोस्तों यहाँ पर इंप्रेशन है, 16,40,000। मैं आपको लाइव प्रूफ दिखा रहा हूँ। तो दोस्तों आपको YT स्टूडियो का यही सेटिंग करना है जो मैंने किया है और अपने वीडियो को वायरल किया है, तो आपको भी दोस्तों इसी तरह से करना है। अब मैं आपको थोड़ा दिखा देता हूँ दोस्तों ये वीडियो, देखिए दोस्तों गूगल से सर्च से भी आया है, देख सकते हैं यहाँ पर आप गूगल में अगर कोई सर्च करता तो ये वीडियो मेरा दिख जाता है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर से मैं ओपन कर लिया, और यहाँ पर दोस्तों नीचे यहाँ कंटेंट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। देखिए मैं दोस्तों यहाँ पर कंटेंट के ऑप्शन पर क्लिक किया हूँ इस तरह से। उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है कि यहाँ पर दोस्तों आपको कंटेंट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ ऊपर भी आपको दिख जाएगा कंटेंट का ऑप्शन, ठीक है, तो ऊपर भी आप क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आपको थोड़ा नीचे आना इस तरह से, देखिए मैं थोड़ा नीचे आ गया हूँ, और देख सकते हैं यहाँ ज़्यादातर जो मेरा व्यूज है वो सर्च से चल रहा है। तो दोस्तों यही मैं आपको समझाना चाहता हूँ, ठीक है। तो देखिए सर्च से चल रहा है, तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं थोड़ा सा इधर से आपको इधर स्क्रॉल डाउन करना है। उसके बाद आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर जो आपको कीवर्ड दिखेगा इस पर आपको क्लिक करना है, ठीक है। अब जैसे इस पर आप क्लिक करेंगे तो देखिए जितने भी आपके दोस्तों चैनल पर वीडियो होगा और जितना सर्च में जाता होगा वो सारा कीवर्ड यहाँ पर दिख जाएगा। तो देखिए दोस्तों यही सारे कीवर्ड को दोस्तों आपको अपने वीडियो में लगाना है, ठीक है। और इसको जैसे आप लगा देंगे तो ऊपर का जो 3 कीवर्ड होगा उसे दोस्तों आपको अपने हर वीडियो के टैग में लगाना है। जैसे होगा क्या, कोई भी अगर सर्च करेगा तो आपका चैनल जो है दोस्तों और वीडियो दोनों दोस्तों आएगा दोस्तों सर्च लिस्ट में। इससे होगा कि दोस्तों अगर दूसरा भी वीडियो होगा दोस्तों उस टॉपिक पर तो आपका वीडियो दोस्तों वहाँ सजेशन करेगा और आपका वीडियो दोस्तों वायरल होगा। उसके बाद दोस्तों सजेशन कीवर्ड भी आपको देख लेना है। उसके बाद दोस्तों आप जिस टॉपिक पर आपका वीडियो होगा उसी तरह का वीडियो आप दोस्तों बनाइएगा और उस तरह का टैग लगाइएगा, लेकिन ये 3 टैग जो है दोस्तों हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन और टैग में लगाइएगा, जिससे कि होगा कि आपका ज़्यादा दोस्तों चैनल भी सजेशन में जाएगा और वीडियो भी। तो यही तरीका दोस्तों, यही मैं आपको समझाना चाहता था। तो चलिए दोस्तों आज के वीडियो को यहीं पर अंत करते हैं। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा दोस्तों इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही।